Hello everybody, good evening, uh, guys whosoever is with me here please wave me a hi, let me see how many of the students are here, so that quickly we'll start with the session, okay? And of course students, today's uh, session that's much much more important than your study part, yes it is, so yes, uh, just let me know who all are there with me, okay? I'll just wait for 5 minutes okay and then I'll start. okay so uh, smriti sangeeta sahu hi good evening okay you're sanvi okay hi sanvi good evening how are you and who all I and mean, who else uh, is here so just let me know that so we can quickly start with it i'll just wait for uh, two more minutes most probably okay so that uh, और ज्यादा लोग इसको सुन पाए ठीक है अमे हाय अमे हाउ आर यू गुड इवनिंग ऋतु हाय ऋतु ओके सो लेट्स जस्ट बिगिन ऑल राइट सो यस जितने लोग यहां पे हो एनी uh, आपने पोस्टर यहाँ का ऑलरेडी देखा है मेरा है 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 uh, like, so, है, ना, ना, so, uh, आज यहां पे एक चीज़ ये पॉइंट लिखा हुआ ठीक पहली बात तो आधे लोग ही सोच रहे होंगे यार ये क्या बकवास है फेलियर्स आर गुड आई मीन लाइक वी ऑलवेज कीप ऑन दैट

ठीक है एंड ऑफकोर्स आई नो वेरी वेल मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू रिलेटेड विद मी वेरी वेरी क्लियरली बिकॉज आई नो कि क्या फेजेस से आप गो थ्रू कर रहे हो करते हो ठीक है सो सिमिलर चीज़ मेरे साथ भी हुई है तो वही चीज़ मैं आज यहाँ डिस्कस करूंगी कि मेरी जर्नी बेसिकली कैसी रही ठीक है एक्चुअली इंस्पिरेशन आया बच्चे इवन आई वॉज एक्चुअली काउंसलिंग काउंसलिंग वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल राइट सो बहुत ज़्यादा डिप्रेस बहुत ज़्यादा परेशान सा बच्चा यू थिंग की मैम यू नो यू वॉज जस्ट नॉट एबल टू क्रैक सर्टेन एग्जामिनेशन ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन मुझसे बोलता है कि मैम मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता यू नो आई एम यूजलेस ठीक है मुझसे ये सिंपल सा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं आईआईटी या मेडिकल जैसे सपने कैसे देख सकता हूं राइट सो so, ये होता है हमारे साथ इज इट आई थिंक इट्स वेरी कॉमन जरा सा हम कोई भी क्विज नहीं जीत पाए या तो ठीक है या फिर कुछ भी छोटा सा टेस्ट हमारा ठीक नहीं हुआ हम क्लास में टॉप थ्री में स्टैंड नहीं किए एंड यहां पे सबसे पहली चीज क्या आता है सेल्फ डाउट कि मैं किसी काम का नहीं हूं या काम की नहीं हूं इन शॉर्ट मैं निठल्ला हूं डज दिस हैपन विद यू गाइज क्या ऐसा आपके साथ होता है अगर ऐसी आई जस्ट वॉन्ट दिस से मच मोर इंटर एक्टिव बच्चो बिकॉज वेन आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड आई गुड फील उसको क्या फील हो रहा है बिकॉज मैंने वो सारी चीजें गो थ्रू की हैं अपनी लाइफ में राइट एंड देन उसने काफी सारी बातें होने के बाद रियलाइज किया बच्चा ऐसे क्यों बात कर रहा है आई मीन कम ऑन इट है एंड देन um, उसके बाद फिर मुझे मेरी जर्नी रियलाइज हुई कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था ठीक है एंड देन मुझे ये आइडिया क्लिक किया उसको समझाते समझाते दैट वाई नॉट फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स हुआ देयर बच्चों यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी की एक यू नो ब्रीफ आउटलाइन बताऊँ मैं ओवरऑल बताऊँगी आपको मेरे साथ क्या क्या हुआ था ठीक है सो ले मी टेल यू मेरा जर्नी वॉज सो सो बैड सो पुअर इफ आई टेल यू की यू नो मे बी आई आई शुड बी कंसिडर मे बी एवरेज और मे बी अ बिलो एवरेज सो फ्रॉम दैट बिलो एवरेज और एवरेज चाइल्ड टू हाउ डिड आई गॉट दैट डॉक्टर प्रिफिक्स इन फ्रंट ऑफ माई नेम ट्रस्ट मी द जर्नी वॉज वर्स very learning very amazing but yes not very easy worse ठीक है so uh, you know यही चीजें मेरे को आज आप लोगों से डिस्कस करनी है तो uh, क्या do you guys um, do you guys um, agree with me in that ये सब हमारे साथ होता है यू नो बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती we face फेस uh, लॉट मैनी क्रिटिसिजम एंड ऑल इन दिस लाइफ टाइम जो मेरे साथ क्या था इफ आई टेल यू अबाउट माई स्टोरी देन ट्रस्ट मी वैन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई प्री मेडिकल ठीक है उस समय मतलब ये मान लो कि जितना दुनिया की सारी बीमारियाँ सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो मेरे साथ कब आई जब मैंने खुद एंटर किया किस फेज़ में अपने प्रिपेरेशन फेज में वो भी किया वैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई प्री मेडिकल ओके सो दैट इज माई जर्नी वेर आई एम इनिशिएटिंग कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस किए हैं ठीक है सो उस जर्नी में ऐसा था कि वेन आई वॉज इन माई इलेवेंथ स्टैंडर्ड ठीक है एंड आई ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू नीड टू बी अ बायो स्टूडेंट राइट सो वेन आई ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी मेरे साथ uh, इस तरीके की चीज़ें हुई बच्चों सबसे पहले मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलती हूँ बेस बहुत अच्छा होना चाहिए आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए मेरा बेस सबसे ज्यादा डगमग बिगड़ गया रीजन बिकॉज देन आई वॉज इन माई इलेवंथ स्टैंडर्ड एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई मेडिकल दिस इज़ something आई रियली डोंट open up in फ्रंट ऑफ everybody because बिकॉज ये एक ऐसी ट्रूथ है बच्चों मेरी लाइफ का जो विच लिटरली स्केयर्स मी आप वैन मैं उस चीज़ को वापस से रिकॉल करती हूँ ना कि मैं किस फेज को मैंने गो थ्रू किया um, मुझे एक प्रॉब्लम uh, हुआ था 2009 थाउजेंड एंड नाइन में टू थाउजेंड नाइन टेन यस इट वॉज द सेम ईयर एंड दैट वॉज दैट आई सफोर्ड अ चेस्ट वॉल साइनस ठीक है दिस वॉज द मेडिकल कंडीशन आई एंड आई री डोंट वॉन्ट डिस्कस अबाउट इट क्योंकि मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत डर जाती हूँ उस चीज से क्योंकि उस चीज़ का बच्चों डर नहीं खौफ है मेरे दिमाग में कि वो चीज़ वापस नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट वॉज सो डिस्गस्टिंग सो पैथेटिक कि उसने लिटरली मेरी वहाँ पर ऐसी नौबत आ गई थी मेरी क्या लिटरली स्टार्ट प्लीडिंग प्लीजिंग प्लीडिंग गॉड कि प्लीज़ uh, ये पेन मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा प्लीज़ जस्ट टेक मी ऑफ इतनी बुरी कंडीशन मेरी एंड इट इनिशिएटेड एंड लेव um, में सारी चीज़ें आती थी मेरे साथ एंड आई जॉइन ऑब्वियसली आई बिलोंग टू कोटा आई जॉइन वन ऑफ द वेरी वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स फॉर प्री मेडिकल प्रिपेरेशन भाई मैंने ज्वाइन किया ठीक है वो सिचुएशन ऐसी होती थी बच्चों कि हर पंद्रह दिन में इट यूज़ टू गेट इन्फेक्टेड और हर पंद्रह दिन में आई यूज टू बी ऑन बेड फॉर फिफ्टीन डेज ना मैं अपने हाथ मूव कर सकती थी ना मैं अपना कोई यू नो मैं चल सकती थी फिर कुछ नहीं एवरी थिंग आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई मदर आई वॉज़ सो मच इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन जब भी uh, मुझे वो इन्फेक्शन होता था आई यू टू टेक दवाइयाँ लाइक एनी थिंग पेन किलर्स आठ आठ नौ नौ पेन किलर्स एक दिन में बच्चों बहुत बहुत ज़्यादा uh, सीवियर हो जाता है बहुत ज़्यादा मतलब इतना बुरा हाल होता था मेरा देन वेन आई यूज टू गो टू हॉस्पिटल लिटरली मेरी ड्रेसिंग के टाइम पर पूरा हॉस्पिटल चीखों से गूंज जाता था इतनी बुरी कंडीशन मेरी वो सिचुएशन उस समय थी एंड इवन टूडे वन आई रिम्बर मुझे बहुत खौफ होता है उस चीज़ का ठीक है लेवेंथ में ऑल दिस ऑल हैप्प विद मी बट देन मुझे था मुझे डॉक्टर बनना है एंड आई स्टार्टड प्रिपेरिंग फॉर इट ठीक है हर पंद्रह दिन में प्रॉब्लम हर पंद्रह दिन में बैठ पे एंड वी नो वेरी वेल अगर एक दिन की भी हमारी पढ़ाई मिस आउट होती है तो हमें कितना ज़्यादा लॉस हो जाता है इज इंटेड सो आई होप आप मुझसे अग्री कर रहे हो इफ़ यू आर डूइंग इफ यू आर कनेक्टेड यर देन प्लीज़ मुझे यहाँ चैट पर रिप्लाई करते रहो ठीक है सो देट आई आई वुड नो दैट यू गाइजर यर ऑल राइट सो एवरी फिफ्टीन डेज आई एम गोइंग थ्रू द सेम थिंग ठीक है एंड एवरी डेज़ जैसे uh, you know, गियर अप कर रहे हैं खुद को ओके ओके इट वुड कि हमारा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है क्रिटिकल है क्योंकि इतना सारा सिलेबस कवर हो जाता है क्यों इतना सारा फियर दिमाग में जैसे ही आपने एंटर किया एक इंस्टीट्यूट में दो सौ सौ बच्चों का बैच ठीक है आपको पता चलेगा जब आप आगे प्रिपेरेशन के लिए जाओगे 200-250 बच्चों का बैच उसमें कंपटीशन इतना सारा एक से बढ़ के एक इंडिया के अलग अलग कोनों से वी नो वेरी वेल कोटा से में अलग अलग, अलग जगहों से लोग आते हैं पढ़ने ठीक है सो इतना ज्यादा कंपटीशन एंड एवरीथिंग ठीक है एंड देन उस पे मेरा लॉस पे लॉस मुझे इतनी मेडिकल इश्यूज लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस मतलब मैं समझ नहीं आता था जब मैं पंद्रह दिन बाद ज्वाइन करती थी वापस से और हर हर महीने डेढ़ महीने में सिचुएशन हो रही है मेरे साथ आई डोंट नो डोंडिंग आई स्टैंडिंग आई लिटरली डोंट नो आई वो स्टैंडिंग आई वॉज जस्ट जाना है बस देख रही हूं कि क्या चल रहा है कोशिश कर रही हूं चीजों को ग्रैप करने की लेकिन नहीं हो पा रहा क्यों क्योंकि लिंक ही टूट गया ना राइट आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैपन्स विद एवरी वडियो इज इट आज एक चैप्टर को तुम बीच में से पढ़ोगे कुछ समझ आएगा क्या नहीं आएगा फिजिक्स में देख रहे हैं मोशन फिजिक्स चल रहा है क्वांटम फिजिक्स चल रहा है पता नहीं कौन सा फॉर्मूला क्या मुझे क्या पता भाई ठीक है बट ठीक है डॉक्टर बनना था यार नहीं छोड़ सकती थी ना उस चीज़ को ठीक है और उससे रिजल्टेंट क्या हुआ कि फिजिकली तो मैं फिट थी मुझ पर मैंटल इशूज आ गए इतना मेंटल प्रेशर डेवलप हो गया कि कैसे कवर करूं सब कुछ यार मैं उसको ट्रैक पे कैसे लेके आऊं मुझे ये समझ नहीं आ रहा था एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी वी कैन से वेरी कॉमन विद मी कि यू नो आए दिन मुझे इस तरीके से चीज़ें होती थी कि आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड सो मच एजिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज मैं कोशिश कर रही हूँ ट्रैक पर लाने की खुद को इतना ज्यादा ट्राई करूँ पर नहीं हो पा रहा है मुझसे मैं क्या करूँ लेकिन मुझे डॉक्टर तो बनना ही था ना तो क्या करूँ छोड़ भी नहीं सकती थी इज इन डेड उसके बाद uh, मतलब ये तो था ही सोने पर सुहागा अराउंड सेप्टेम्बर अक्टूबर में मेरा लेफ्ट नी डिसोकेटेड एंड उसने मुझे स्ट्रेट तीन महीने के लिए बिस्तर पर कर दिया ठीक है आई लॉस्ट माई नानी बाई दैट टाइम एंड इट्स लाइक फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल आई वॉज ब्रोकन बैडली आई वॉज सो ब्रोकन बैडली वच आई कैन इवन टेल यू इतना बुरा हाल मेरा पूरे टाइम बेड पर लेटे लेटे आई जस्ट यूज टू इमेजिन माई ड्रीम्स मैं हमेशा सोचती थी यार कहाँ मैं डॉक्टर बनने निकली थी और कहाँ आज ये सिचुएशन हो गई है कि मैं खुद बिस्तर पे हूँ एंड यू नो आई एम नॉट एबल टू कोप विद इट राइट सो दिस इज़ समथिंग विच हैपन टू मी एंड मतलब परेशान बहुत ज़्यादा किसी को कुछ कहना नहीं पड़े रहना बस परेशान होते रहना पूरे टाइम तो ये सिचुएशन मेरे साथ बन गई थी बच्चों डिसलोकेशन हो गया तीन महीने के लिए बेड पे तो कैन यू इमेजिन एक दिन का अगर गैप हम पढ़ाई में करते हैं तो कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है कितना लॉस हो जाता है एंड कहाँ मेरे हर पंद्रह दिन बाद पढ़ाई छूट रही है हर तीन महीने बाद पढ़ाई छूट रही है लेकिन क्या कर सकते हैं अब ये सब चीजें नेचुरल थी मैंने अपने आप इन्वाइट नहीं की आ गई इसका रिजल्टेंट ये हुआ बच्चे लोग कि आई लिटली स्ट्रगल्ड पासिंग इन माई इलेवेंथ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड देन जब मैं ट्वेल्थ में गई तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी सब इट ऑल इट ऑल ब्रोक लाइक एनी क्योंकि बी एस बिगड़ गया था ना मेरा जब बेस मेरा पूरा बिगड़ गया तो आगे कहाँ के सपने देख रही हूँ मैं ऑल इंडिया प्री मेडिकल नो ऑफकोर्स नॉट मेहनत चाहिए डेडिकेशन चाहिए डिवोशन चाहिए आसपास के लोगों को देख के मैं डर जाती थी अपने कोलीग्स कोलग्स क्या अपने बैचमेट्स को सब लोग लगे पड़े दिन रात बारह बारह घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और आई थिंक ये सबके साथ होता है इजन इट आई थिंक आधा प्रेशर तो हमें इस चीज़ का होता है कि हमारे साथ लोग हाई स्वाति वेलकम सो आई होप यू गाईज अग्री इट तो हमें आसपास वाले प्रेशर देते हैं हमारे क्लासमेट्स इतना पढ़ रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं हम होते अरे यार क्या स्टैमिना है इस बंदे में और एक सिमिलरली मेरे साथ भी था आई यूज टू सी माई बैचमेट्स और भाई साहब अगर टॉप हंड्रेड में अगर आपकी रैंक नहीं है ठीक है तो तुम स्टैंड ही नहीं करते हो कहीं पे ठीक है और होड़ थी क्या टॉप ट्वेंटी में लाने की अगर टॉप ट्वेंटी में तुम्हारी इंस्टीट्यूट में रैंक है तो मतलब तुम्हारा गवर्नमेंट में सिलेक्शन पक्का नहीं है तो तुम भूल जाओ ठनठन पाल मदन गोपाल ठीक है वो सिचुएशन मेरे साथ थी एंड आई वॉज लिटरली वॉचिंग माई सेल्फ रू गेटिंग रूइन डे बाई डे फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली आई वॉज सो सो ब्रोकन मैंने उसके बाद बच्चों जब मैं ट्वेल्थ में आई मैंने उम्मीद ही छोड़ दी आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट फेस की गया भाड़ में डॉक्टर बनने का सपना अब कुछ हो ही नहीं सकता मेरा ट्रस्ट मी गाइज ऐसा ही था मेरे साथ एंड आई वॉज लाइक मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी जब इतना सब मेरा मैं इतना बुरी तरी मैं इतना ज्यादा लैग कर रही थी दुनिया कहाँ पहुंच रही है मैं पीछे जा रही हूँ लोग आगे जा रहे हैं नहीं मैं कैसे सोच सकती हूँ इतनी बड़ी डेजिग्नेशन के लिए खुद के लिए नहीं सोच सकती राइट तो यही चीज़ मेरे साथ हुई एंड ट्वेल्थ आई पता नहीं क्या चल रहा था आई स्वेयर आई डिन न्यू इट वॉज जस्ट दैट मुझे मैंने बोर्ड्स में भी क्या सोचा मुझे सिर्फ पास होना है मुझे भगवान जी बस पास कर दो जैसे तैसे मुझे नहीं पता मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है ये मेरा सिचुएशन हो गया ठीक है एंड देन उसके बाद uh, चलो बोर्ड्स भी निकल गए सिचुएशंस मेरी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी मेरा इंस्टीट्यूट में दिमाग नहीं लगता था मैं कोशिश करती थी मेरा मन ही हट गया था एक्चुअल में उस चीज़ में जाने में क्यों टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी मैं कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा था मेरे साथ तो मुझे एनर्जी कहाँ से मिलेगी कुछ करने की राइट एंड आई थिंक ये सबके साथ है इज इंट क्या आपके साथ भी ऐसा होता है लाइक यू गेट यू गेट नथिंग इन योर टेस्ट आप मेहनत कर रहे हो बट uh, कुछ हाई रोहन सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू एंट आंसर मी दिस डट हैपन्स विद यू आप एक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो जी जान लगा रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा एंड देन सडनली एक ऐसा डाउनफॉल आता है इतना ब्रेकडाउन होता है यू फील लाइक नहीं यार बस अब मुझसे नहीं होगा डज इट हैपन्स विद यू हैज़ वेल वेल मेरे साथ ये इतना ज़्यादा हुआ है उन दो सालों में आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेल बच्चों सो यू नो आई कैन रियली कनेक्ट विद यू गाइज एंड जब ट्वेल्थ में मुझे कुछ नहीं सूझा आई वॉज जस्ट वॉकिंग आई रियली डिट न्यू वेर आई वॉज स्टैंडिंग वट आई वॉज डूइंग वट द हेल आई वॉज डूइंग एक्चुअली एंड आई डोंट नो मैं सिर्फ वॉक कर रही थी उस बात पर पता नहीं कहाँ क्या ले जा रहा आई रियली डोंट नो एंड देन ट्वेल्थ जैसे तैसे निकला मेरा जैसे तैसे मेरा ट्वेल्थ निकला एंड यू नो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ओके फाइनली मेरा ए ए आई पी एम टी था उस समय उस समय नीट नहीं होता था एंड uh, मैंने जैसे जैसे ए आई पी एम टी अटेम्प्ट किया बस आई न्यू इट मेरा नहीं होने वाला क्यों मुझे पता भाई सामने दिख रहा है ना इंसान ने क्या पढ़ाई की है क्या नहीं की क्या हुआ है मैंने कोशिश भी की गियर करने की तो मुझसे नहीं हो पाया ठीक है तो मुझे पता है कि मेरी स्थिति क्या थी है ना एंड देन ट्वेल्थ के बाद ऐसे निकलता गया एंड फाइनली आई हैड टू गेट माई सेल्फ ऑपरेटेड एंड यस आई गॉट ऑपरेटेड माई सेल्फ ट्वाइस उस समय ई आई पी एम टी मेरा हो गया था एंड आई हैड टू अपीयर फॉर आर पी एम टी एंड यहाँ पे फिर किस्मत ने मेरे साथ बहुत तगड़ी गुगली खेली वो ऐसी थी कि आर पी एम टी के एग्जाम से से पहले ही um, मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा अपना एंड आई हैड स्टिचेस सो आई कुडेंट ट्रेवल मुझे स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी डॉक्टर के स्ट्रिक्ट uh, निर्देश थे बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा बिकॉज अगर जरा सा कुछ अप एंड डाउन होता है तो यू you नो know, बोलते ना जगह पक जाती है इट वुड गेट इन्फेक्टेड अगेन है ना आई वॉज लॉस्ट बच्चों आई लॉस्ट एवरीथिंग एट दैट टाइम जब मुझे ये बोला गया कि मैं एग्जाम भी नहीं फाइट कर सकती अपना आई लॉस्ट एवरीथिंग मी एंड उस समय आज भी अगर वो चीज़ मैं याद करती हूँ मुझे बहुत रोना आता है कॉश क्या फेस था मेरा वो मतलब इतना कोई यार आज से अगर मैं दस साल पहले खुद को सोचूं बच्चा ही तो आई वॉज द सेम एज यू गाइज आर सो आई कैन अंडरस्टैंड एट टाइम्स आप लोग क्या गो थ्रू करते हो बिकॉज मेरे साथ हुआ है ना कितनी वर्स सिचुएशन हुई एंड देन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं चलो यार करते हैं गियरअप करते हैं है ना किया मैंने और फाइनली uh, हुआ ऐसा कि वन फाइन टेबल इज सिटिंग एंड यू नो आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई फादर कि पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एंड यू जस्ट हग्ड मी एंड जेट बच्चा कोई बात नहीं हमें पता है कि वॉट ऑल सिचुएशन यू बीन थ्रू इट्स ओके बट मेरा दिमाग फिर भी मानी गया लाइन आई डोंट नो लाइक वन फाइंड डे सिटिंग एंड आई जस्ट लुक डेट माई बड़े पापा इज अ गाइनोकोलॉजिस्ट ओके इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी सो आई जेट कि आई जस्ट वॉन्ट बी एट हिस प्लेस आई डोंट नो वाई एंड देन उसके बाद बच्चों आई डिसाइडेड टू ड्रॉप मैंने बोला हुआ जो हुआ मुझे नहीं पता मेरा बेस कमज़ोर है क्या है क्या नहीं है इस समय मेरी जो एनर्जी थी वो कुछ ऐसी थी ये नहीं थी कि मुझे अब डॉक्टर बनना है मुझे तो सिर्फ ये मैंने डिसाइड किया मुझे अपना बेस्ट देना है आई रियली डोंट केयर आई 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 एम एम गोइंग टू लेकिन इफ इट एक बार और सही एक बार और सही यार कोई बात नहीं एक बार अपना बेस्ट और सही जितना हो सकता है एंड देन रिजल्ट सामने है ना <laughs> तो यही चीज मेरे साथ हुई निचोड़ दिया मैंने खुद को बुरी तरीके से ठीक है तो यहाँ पे इस चीज़ को लाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है बच्चे वो मेरा जो आपको कहने का मतलब है कि क्यों फेलियर्स बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में उसका एक रीज़न है कि बच्चों मेरी अगर मैं जर्नी की बात करती हूँ ना सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज द हीरो ईयर क्यों एंड वी ऑल कैन बी आर हीरोज वी डोंट नीड एनी एल्स यू नो वॉट बिकॉज वेन आई लुक एट माई जर्नी आई से येस आई डिड राइट तो इसीलिए

अगर मैं आज ये बोल पा रही हूँ यू नो येस हैव गॉट आई हैव गॉट अ क्वेश्चन रोहन आस्क मैम ये आपकी लाइफ की जर्नी है ये yes, बच्चे रोहन दिस इज माई जर्नी एंड बहुत सारी चीजें आपको और जानने को मिलेगी कि यू नो फ्रॉम बींग दैट इज हाउ आई कॉल दैट दैट इज माई जर्नी ऑफ फेलियर्स नॉट सक्सेस मैं कभी नहीं बोलती कि मेरी ये सक्सेस uh, की जर्नी नो इट्स फेलियर्स ट्रस्ट मी इट्स फेलियर्स सो बींग फ्रॉम एन एवरेज बिलो एवरेज किड टू डॉक्टर मेरे लिए चीज़ें इतनी डिफिकल्ट रही हैं ना इतनी वो मेरी अपनी इम्पोजिशन भी नहीं थी ट्रस्ट मी इट वॉज ऑल नेचुरल अपने आप आता गया मैंने बीमारी इन्वाइट नहीं की थी खुद के लिए हो गया ना मैंने नहीं चाहा था कि मेरा जो ये नीबोन है विच इज कॉल्ड एज पटेला ठीक है वो डिसलोकेट होके लेफ्ट में निकल आया बिल्कुल लाइक इफ दिस अ नीबोन निकल के पूरा साइड में आ गया था वो एंड देन लिगामेंट इंजरी इतनी खतरनाक कि तीन महीना आई वॉज व्योअरिंग अ नी ब्रेस मेरा पैर पूरे टाइम स्ट्रेट था बुरी तरीके से ब्रेक डाउन हुआ मेरा बुरी तरीके से क्यों जो बंदी इतना ज्यादा डेस्परेट थी अपने गोल के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी वो लाचार पड़ी थी बिस्तर पे लेकिन क्या करें हेल्प भी तो नहीं कर सकते फिर आप वहीं पर देख रहे हो कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो आगे बढ़े चले जा रहे हो और आप क्या कर पा रहे हो आप बेबस हो आप लाचार हो आप कुछ नहीं कर सकते तीन महीने बाद इंस्टीट्यूट जाओगे तो कुछ समझ में आएगा क्या इतना सारा तीन महीने का हाउ एम आई गोइंग टू कवर अप मेंटल प्रेशर इतना डेवलप हो गया था आई वॉज आई वॉज लिटरली मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं पागल हो गई थी क्या करूं मैं एंड फिर मैंने सोचा सबसे आसान रास्ता क्या है डॉक्टरी छोड़ दो रास्ता ही छोड़ दो लेकिन फाइनली प्रूफ क्या हुआ फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस इट्स अ पार्ट राइट एंड बच्चों ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर हर चीज आपकी समय लेती है समझ रहे हो एंड आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल आप लोगों के साथ क्या होता है बिकॉज मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ सो आई डोट नो वाई बट आई रियली फील एवरी बॉडी ऑफ यू वॉचिंग मी योर मैं इतना ज़्यादा फील कर पा रही हूँ आप लोगों को आई एम योर योर गाईज़ योर ऑरा यू नो आई कैन कैच इट वेल बिकॉज मैं वो सब गो थ्रू की हूँ ना तो आई नो इट वेरी वेल दैट हाउ इट फील्स टू बी सच अ बर्डन हमेशा बर्डन रहता है यू uh, नो you know, हमें हमेशा क्या करना है क्लास uh, में फर्स्ट आना है एन डी एस सी क्लियर करना है अरे आई आई टी क्लियर करना है अरे मेडिकल क्लियर करना है अरे बाबा इट्स फाइन बट द थिंग इज आई यू फॉलोइंग द करेक्ट पाथ और क्या सक्सेस की जो डेफिनेशन आपके दिमाग में है क्या वो सही है इज इट कितने लोग आ, इस चीज से अग्री करते आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट इज दिस जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हो या फिर बिल्कुल अपोजिट था नहीं 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 जीतना है जीतना है हर बार जीतना है हमें फर्क ही नहीं पड़ता हम कुछ भी करेंगे लेकिन हर बार पास होना ही जरूरी है कितने लोग इससे अग्री करते हैं जस्ट वॉन्ट टू नो आई जस्ट वॉन्ट टू नो गाइज एक बार मुझे बताओ रोहन 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 डू वन थिंग इट्स ओके बच्चे इफ यू वट नो प्रॉब्लम आई एल इंट्रैक्ट विद यू पर्सनली एज वेल जस्ट कनेक्ट विद आकाश सर राइट और उसके बाद वील कनेक्ट ओके अमे अमे सेज़ मैम कैन यू लाइव द नेक्स्ट लेक्चर क्लास इट ऑफकोर्स आई लव टू वील सी टू इट फॉर श्योर ठीक है बट यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट योर आंसर्स यर दैट डू यू गाईज अग्री विद मी डज दिस हैपन दज इज हैपन विद यू So, अगर मैं बोलूं बच्चों बहुत टाइम लगता है ट्रस्ट मी कभी भी एक लीप नहीं होती अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं एक ही बार में जो है श्योर इज येस यस यस इट बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड राइट बच्चों टाइम लगता है हर चीज़ में ध्यान रखना ठीक है मेरा उस जर्नी का एक जो फैक्टर रहा है वो ये रहा है क्या कि मैंने कभी जब फाइनली ठान लिया ना कि इतने सारे ब्रेकडाउन थे आसपास के लोग जो मैं देखती थी लोगों को एक एक बार में क्लियर कर रहे हैं सारे एग्जामिनेशन आई वो लाइक वाओ यार हाउ कैन दे कम इन टॉप ट्वेंटी आई मीन ऐसा क्या कर रहे हैं मैं गधों की तरह लगी हुई हूं उसमें टेस्ट दे रही हूं अपने फिर भी टॉप हंड्रेड में नहीं आ पा रही हूँ क्यों रीजन क्या है यार मतलब कितना ब्रेकडाउन होता है इट हम अपने आसपास के बच्चों को देखते थे डू सो वेल हम बोलते हैं यार हमारे में क्या कमी हम कहाँ कमी एंड द थिंग इज यहाँ पे सबसे बड़ी कमी आप क्या कर रहे हो खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरे के साथ करो अच्छा है लेकिन हम नेगेटिवली कंपेयर कर रहे हैं ना बच्चों यहाँ पे इट हम लोग उससे कुछ सीख नहीं ले रहे डिप्रेशन ले रहे हैं उल्टा एंड दैट्स रॉन्ग राइट सो हाउ आई डिसाइडेड वॉज कि मुझे कोई मतलब नहीं मुझे सक्सेस मिल रही फेलियर मिल रहा है मैंने वहां पे पर छो, सोचना छोड़ दिया कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा मेरा वहां पे माइंडसेट क्या था गाइस वो ये था दैट नो मैटर व्हाट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज गोना बी ठीक है आई एम गोना मेक माई सेल्फ डिफरेंट एंड देन मैंने एक चीज अपनी लाइफ में अप्लाई की इस लाइन को अच्छे से सुनना वो ये है द ओनली वर्ड विच सेपरेट्स ग्रेट फ्रॉम एन एवरेज इज डिसिप्लिन ठीक है डिसिप्लिन इज द ओनली वर्ड विच सेपरेट्स द ग्रेट फ्रॉम एन एवरेज हिट येस इफ यू अग्री विद दैट ये चीज मुझे दिमाग में इतना हिट की बच्चों एंड देन आई स्टार्टेड बींग सो मच इन टू इट आई फर गॉट वेदर आई गेट सेलेक्टेड ऑन नॉट आई ट्राइड आई ट्राइड मैं बहुत फील होती थी ऑब्वियसली बात है इतना सारा सिलेबस मेरे पीछे छूट गया है भाई मैं कितना लैक कर रही हूँ लोगों से मैंने कहा भाड़ में जाने दो तो साला सब आई रियली डोंट केयर आई डोंट इवन केयर वेदर आल बी सेलेक्टेड इन ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जामिनेशन और नॉट आई रियली डोंट केयर अबाउट इट इट जस्ट दैट इस बार मुझे खुद को चैलेंज करना है मेरा माइंड सेट उस समय यह था कि मेरी डिसबिलिटीज ने जितना मुझे लोअर डाउन किया ना बस बहुत हो गया लेट सी कि आगे और कितना कोई कर पाता है एंड मैंने खुद को चैलेंज किया खुद को चैलेंज कैसे किया आई स्टार्टेड वर्किंग ऑर माई सेल्फ इज लाइक मुझसे जितना खुद का निचोड़ हो सकता है ना आई कीप माई सेल्फ काम एंड आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग नो मैटर वॉट आई एम नॉट गॉन ए स्टॉप लेट मी जस्ट इन्जॉय दिस जर्नी मैं देखती हूं कि और मुझे क्या क्या सीखने को मिल सकता है एंड दैट इज हाउ आई इनिशिएटेड अगेन दैट इज हाउ आई बाग्ड माई सेल्फ अगेन ये फिगर देख रहे हो पीछे बिल्कुल करेक्ट होता है बच्चों बिल्कुल अगर आप चाहोगे ट्राई किया और सक्सेस से पहुंच गए ना बिल्कुल नहीं हो सकता मैं मान ही नहीं सकती ऐसा हो सकता है क्योंकि बच्चों जब तक फेल नहीं होगी अपनी कमजोरियाँ कैसे जानोगे पर्सनालिटी इंप्रूव कैसे करोगे राइट right? फेल होना ज़रूरी है यार मतलब सच में यहाँ पे वड आई एम स्पीकिंग कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है इट ज दैट मैं आपको अपना जर्नी यहाँ पे बता रही हूँ आई रियली वॉन्ट अ टेल यू गाइज क्योंकि मैं इतने बच्चों को काउंसिल करती हूँ इतने बच्चों से इंट्रैक्ट करती हूँ फील सो बैड फॉर देम देर लाइक सो डिप्रेस मैम मेरा कुछ नहीं हो सकता मैम मैं एन टी एस सी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आई आई टी कैसे क्लियर कर सकता हूँ बाबा यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप वो एग्जाम जो दे रहे हो ना उससे कितनी सारी चीजें एंड कॉपरेट कर रहे हो डू यू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग दैट थिंग यू आर एडिंग समी अदर थिंग इन योर जर्नी एंड दैट टू यू डोंट नो वो आपको कहाँ जाके पे ऑफ करेगा पता है आपको आपको नहीं पता है इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं इट्स ओके बट अगेन देखो एक चीज बताती हूँ uh, तीन बहुत अच्छे वर्ड्स हैं फ्रेजेज हैं हिंदी के एंड दैट इज गलती करना प्रकृति है ठीक है मान लेना संस्कृति है फिर आगे बढ़ना उससे सीख के प्रगति है गेटिंग माई पॉइंट सो गलती इज नैचुरल एवरीबॉडी डज इट इज इट इवन आई डिड मैंने बहुत किया अपने जीवन में लेकिन उसको मान लिया तो वो हमारी संस्कृति और मान के उससे सीख लिया तो वही आपकी प्रोग्रेस है गेटिंग माई पॉइंट वही चीज़ यहाँ इलिस्ट्रेट होता है नो मैटर वॉट नो मैटर वॉट इज दैट यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग आप ये मत सोचो कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं अपने ऊपर वर्क करते जाओ करते जाओ और करते ही जाओ ठीक है अब बच्चों, इफ आई टेल यू वन ऑफ अबाउट माई फ्रेंड्स लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव एनी यर। गुड सो येस सो लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज सो यू नो इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल इन कैलिफोर्निया यू बच्चों वो एक नंबर का निकम्मा बच्चा था कसम से वेरी ब्लंटेड दैट वेरी वेरी ब्लंट एंड एनी वे इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड सो आई सेट वेरी ब्लंटली अगर वो मुझे देखे भी यहाँ पर तो इल बी लाइक यार क्या वर्ड यूज कर रही है बट सी आई वॉन्ट टू बी वेरी जेनुअन विद माई बच्चे हु आर वॉचिंग मी यर बिकॉज आई लिटरली फील सो कनेक्टेड विद यू गैस बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग क्या गो थ्रू करते होना सो माई जर्नी आज ऑफ हिज वॉज लाइक लिटल बिट डिफरेंट बट या ऑलमोस्ट ऑन द सेम पाथ सो बहुत बहुत नालायक बहुत ना लाइक उसका ये था कि उसको हर चीज़ से एक्सपेरिमेंटेशन बहुत पसंद था पढ़ता तो था ही नहीं वो कोई मतलब ही नहीं बनता ठीक है मतलब वो अगर कभी गलती से पढ़ ले तो उसके पेरेंट्स वो लाइक मतलब ऐसा सिचुएशन है कि आज वो जिस पोजीशन पे है ना अगर आप उसके पीछे की जर्नी देखोगे तो इट लाइक फुल ऑफ फेलियर्स फुल ऑफ फेलियर्स एन दिया ना ठीक है फेल क्लास में इलेवेंथ में फेल ठीक है लेकिन आज वो बंदा इतने अच्छे पोजिशन पे है क्यों सो आई वॉज जस्ट हैविंग अ कि यार मुझे एक बार बता इतना गधा था तू ठीक है See, fun, you know? so, friends में ऐसे चलता है राइट right? आप सब लोगों में भी होता होगा है ना सो so, इतना गधा था तू तू यहां कैसे जस्ट टेल मी अबाउट योर सक्सेस स्टोरी विद माई एज वेल तो उसका इतना ब्यूटिफुल रिप्लाई था बच्चों इतना ब्यूटिफुल रिप्लाई था वो ये था कि सी डोंट कॉल इट एज़ माई जर्नी ऑफ सक्सेस राधा इसको मेरे जर्नी ऑफ फेलियर्स बोलो ठीक है सक्सेस तो मुझे एक पॉइंट जाके मिल गई लेकिन आज मैं जहाँ हूँ मेरे फेलियर्स की वजह से हूँ मेरी उन फेज़ेस uh, की वजह से हूँ जिन जिनसे मैं हारा हूं क्योंकि उन्होंने ही मुझे बूस्टअप किया उन्होंने ही मुझे मेरी गलतियां बताई कि मैं कहां पे गलत था कहां मेरे वॉर्ड्स थे कहां मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत थी अगर वो फेजेस नहीं आते तो शायद आज मैं यहां नहीं होता बच्चों एक बात बताओ कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज से ओके सो अमेज आई क्वालिफाइड एन टी एस सी स्टेजमेंट ओ कंग्रेचुलेशन अमे दैट सो गुड दैट्स गुड दैट्स गुड वेरी गुड बहुत अच्छी बात है ठीक है सो so, अब स्टिल वो लड़का आज उस जगह पर पे जहां पे हमने किसी ने नहीं सोचा था किसी ने भी नहीं सोचा था मतलब इतना नालायक पढ़ता नहीं है फेल हुआ है क्लासेस में और कोई एन वगैरह सब अटैम्प्ट किया उसने मज़े मज़े में मतलब मुझे बस अटैम्प्ट करना है लेकिन उसने ये चीज़ बोली और उन सबको अटैम्प्ट करने का मेरा सिर्फ एक मकसद था वो ये था कि मुझे चीज़ें सीखती जानी थी मुझे मजा आता था देखने में मैंने उन चीजों को एग्जामिन करना स्टार्ट किया मैंने फिर खुद को एग्जामिन करना स्टार्ट किया दैट एग्जैक्टली exactly, क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ बोले मैंने छोड़ दिया सब सोचना कि मुझे इतना कमाना है मुझे ये करना है मुझे वो करना है। ना मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड किया कि यार मतलब कुछ तो करना है बस एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग वॉट आई लव बच्चों एट टाइम्स हम वो चीज़ें चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए बनी नहीं होती हैं मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही कि आज यू you नो know, कोई बहुत अच्छा आईआईटी इंस्टीट्यूट आपके लिए नहीं है या फिर कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई सिंगर बनना चाहता है कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है वोट एवरीथिंग रिक्वायर्स डेडिकेशन गेटिंग माई पॉइंट एट टाइम्स हम ऐसे फील्ड में घुस जाते हैं जहां पे हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता इफ यू डू वॉट यू लव यू वुड स्टार्ट लविंग वॉट यू डू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है पहली बात तो इस प्रेशर से बाहर निकलो अब जब दूसरी बात आप उस फेज में घुस गए हो यू नो दैट वॉट यू हैव टू डू देन ट्रस्ट मी गाइड्स द जर्नी इज नेवर गने बी इजी कभी नहीं होगा अगर आप चाहोगे कि एक बार में सब ठीक हो जाए नहीं हो सकता कभी भी नहीं हो सकता और राइट right? कभी भी नहीं हो सकता ठीक है सो इट्स गने बी लाइक फेजिज रहेंगे बच्चों और जब हम प्रिपेयर करते हैं ना तो आप ऐसा देख रहे हो ये मेरे साथ भी था आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड वेरी मच ब्रोकन इमोशनली फिजिकली साइकोलॉजिकली मैं बहुत परेशान थी बहुत ज़्यादा आई वॉज मैंने खुद पर गिवप कर दिया था मैंने बोला यार क्या चल क्या रहा है मेरी जिंदगी मुझे यही समझ नहीं आ रहा आई वॉज लाइक दैट नाउ इन अंडी यू कैन से सी में जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं था जहाँ हवा ले जा रही है वहाँ चले जा रही है ये सिचुएशन था बहुत फेजिज आते हैं राइट वी फॉल इन टू बैड कंपनीज इजेंटेड होता है ना एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी अग्रीग विद मी बिकॉज ये कॉमन है हम सबके साथ होता है है ना वी फॉल इन टू बैड कंपनीज प्यार मोहब्बत ये सब बातें राइट बिकॉज अगेन लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अगर हम अपनी um, इस फेज में हैं वी आर वी आर गेटिंग वी रेट टू द प्यूबर्टल एज ग्रुप वी आर वी आर गेटिंग अ डोलिसेंट्स इट सो बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं अगर किसी ने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो समझ जाओगे है ना सो आई इवन डिस्कस वॉट आर द प्रॉब्लम्स विद अ डोलिसेंस दिस वन ऑफ द इशूज पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन गंदी आदतों में पढ़ना है ना और उसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम लोग को कोई रास्ता नहीं समझ आता यार हम तो फंस गए बुरी तरीके से I नो know गोइंग ऑन on, इट दिस हैपन्स विद एवरी बॉडी एंड इवन इफ it's विद यू इट्स टोटली नॉर्मल बट देन वी रियली कैन नॉट कीप ऑन हार्मिंग आर सेल्फ है ना सो so, कुछ बच्चे तो अभी ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं मैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो रिलेट कर पा रहे हैं आई एम वेरी श्योर इट्स ओके इट है विद मी एज वेल्थ ओके एंड दैट इज द रीजन वाई एम हियर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्रस्ट मी बच्चों मेरे पास कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं है इट जस्ट दैट मेरा सिंपल uh, मतलब इस वीडियो को करने का सिर्फ ये था बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू बी द मोस्ट जेनमस्ट पर्सन मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहती थी जो लिटरली मैं अपने वर्स्ट ड्रीम्स में भी वापस जीना नहीं चाहती लेकिन आज मैंने उन चीज़ों को वापस आपके सामने ट्रस्टमी इतने यूर्स बाद खोला बिकॉज आई डोंट नो अगर मेरी स्टोरी से बच्चों अगर यहाँ दो या तीन बच्चे या कुछ एक परसेंट एक भी अगर को भी फर्क पड़ता हेल्प मिलती है ना तो मान लीजिए मेरा पर्पस इज फुलफिल्ड आई फील आई फील कि ओके okay, मैंने कुछ अच्छा किया किसी के लिए है ना बहुत फेज आते हैं लाइफ में लेकिन मेरी लाइफ में भी आया था ऑब्वियसली लेकिन बच्चों जब मैंने ठान लिया ना कि भाड़ में गया सब कुछ लिटरली भाड़ में गया सब कुछ मैंने क्या खोया है मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ है क्या मैं आगे कर पाई अच्छा मैं कर पाऊंगी क्या मैं आगे डॉक्टर बन पाऊंगी ठीक है या आप जिस भी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो ठीक है इट्स ऑल बच्चों आगे करना ना करना एवरी थिंग अल्टीमेटली रोटेट्स एट अ प्लेस दैट इज योअर माइंड सेट दाइंडसेट आपका विजन आपको कहां से कहां पहुंचा देता है राइट? चेंज योर विजन्स एंड योर विजन्स वुड चेंज यू और दूसरी बात ये बच्चों हर चीज में टाइम लगेगा हर चीज में टाइम लगेगा आप सोचोगे आज तक आपने पढ़ा नहीं हम एकदम से पढ़ाई करके नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा कर लेंगे ना इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस इट्स अ जर्नी स्टार्ट लिविंग द जर्नी ठीक है जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट करो राधा दन ये सोचना कि हमें वो चीज हमें ऐसा चाहिए हमें बिल्कुल वैसा ही चाहिए इट्स गुड इट्स गुड लेकिन उस जर्नी से आपको क्या क्या मिल रहा है उसको चैरिश तो करो ये भी तो देखो कि कितना अच्छा आप एडअप्ट कर रहे हो खुद में इज इंट इट वो भी तो जरूरी है ना एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस ट्रस्ट मी आपको कब वो चीज हासिल हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा समझ रहे हो अपना विजन इंटैक्ट होना चाहिए बच्चों लेकिन खुद को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है है ना ठीक है समझ रहे हो सो so, ंग अपने ऊपर भरोसा रखो अपने ऊपर भरोसा है तो दाव लगा ले समझ लो सुना होगा गाना सबने है ना वट यू हैव टू डू इज जस्ट यू नीड टू हैव अ लीप ऑफ फेथ एक लीप ऑफ फेथ होना चाहिए कैसा हमें बस वो जंप के लिए खुद को प्रिपेयर करना है जंप मार लोगे पक्का मार लोगे लेकिन उस जंप को मारने के लिए जो स्ट्रेंथ जो एनर्जी चाहिए ना बच्चों उसको गियर करने में टाइम लग जाता है समझ रहे हो समझ पा रहे हो तो ये चीजें जो हैं, हमेशा है हमेशा कनेक्टेड होती हैं है ना कभी भी मैंने क्या बोला था ट्राई टू तो डायरेक्टली सक्सेस कोई जंप नहीं कर सकता ठीक है अरे लाइफ भी तो जीनी है यार वो भी तो करोगे अरे मर जाओगी क्या नहीं ना कई बच्चे ऐसे होते हैं आई सी यू नो आई लिटरली सम पीपल हु हैड सुसाइडल थॉट्स व्हाई बिकॉज वो वो चीज नहीं कर पा रहे थे जो नहीं चाहिए बच्चे लोग यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स लाइफ ऐसे नहीं जी जाती है है ना सो यू नो यू आर गेटिंग इन योर जर्नी इफ यू स्टार्ट चेरिशिंग इट इफ यू स्टार्ट लविंग इट यू वुड यू वुड नॉट इवन नो कि कब आप वहां पहुंच गए हो सच में और फिर जब देखते हो ना तो लिटरली पीछे का जब मैं आज अपना टाइम याद करती हूँ मुझे लगता है यार मतलब सीरियसली क्या वो मैं थी मेरे में इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया आया नहीं मेरे में ऑलरेडी था मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया क्यों क्योंकि मेरा दिमाग तो मैंने कंडीशन कर लिया था ना कैसे बोल बोल के मैं नहीं कर सकती मैं नहीं कर सकती मैं नहीं कर सकती इतना छूट गया इतना लॉस हो गया ओ oh नो no, अब तो मैं मर गई अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता आई एम अ फेलियर से मैंने खुद को कहां चेंज किया नो मैटर वॉट मुझे अपने आप को ना ऐसा बना देना है रिमेंबर दैट ग्रेट एवरेज डिसिप्लिन एंड आई वॉज लाइक आई डोंट केयर वेदर आई एम there देयर not. नॉट बट इज जस्ट दैट दिस टाइम आई एम गोना गिव द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ उसके बाद कोई यू uh, नो you know, ये चीज नहीं होनी चाहिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बोलने की कि यार यहां पे ये चीज कमी रहे ना एग्जाम दिया हमने अपना जैसे हम एग्जाम के लिए जाते हैं अपना बेस्ट दे के आते हैं बोलते हैं मुझसे जितना बेस्ट हो सकता था मैंने किया उसके बाद अरे यार अरे यार वो ऐसे ये नहीं होता ठीक है तो देखो यहां पे जो इमेज हमें बोलती है वो ये समझाती है कि इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट लीप ऑफ फेथ लेकिन उसको प्रिपेयर करने के लिए ये यहां से यहां का जो जंप है ना बच्चों मेहनत पता है यहां से यहां में नहीं लगती है मेहनत यहां लगती है इधर इस पार्ट पे आपका कितना समय गया है खुद को स्ट्रेंथन करने में समझ रहे हो कूदने में कुछ नहीं जाएगा ये तो विद इन लीप हो जाएगा यहां पे लगता है समय ज्यादा और वही डिसाइड करता है कि आपकी छलांग कितनी एक्यूरेट होने वाली है राइट एंड वंस यू डू इट देन स्काई इज द लिमिट इज इट सो ये चीज मेरे साथ हुई एंड आई फील सो गुड वेन आई लिटरलीस थिंग्स एंड आई वॉज लाइक वाओ और बच्चों वो खुशी जो होती है ना वो एक अलग ही चीज होती है जब आप सोचते ही नहीं हो कि यार हमें वो चीज़ चाहिए जिस दैट आपके दिमाग में आपका विजन है यू आर वर्किंग फॉर दैट बट इन एवरी डे यू ना डूइंग इट कि आप खुद को कर्स कर रहे हो आप खुद को मोटिवेट करते हो कैसे मुझे अपना बेस्ट करना है क्या ये था मेरा बेस्ट अगर अंदर से आवाज आती है नहीं तो इसका मतलब नहीं था बच्चों पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं हम पर हम खुद से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते राइट right? है ना खुद से कैसे झूठ बोलोगे सबको पागल बना सकते हो मामा को बोल सकते हो पापा को बोल सकते हो फ्रेंड्स को बोल सकते हो भाई बहन ब्ला 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 दादाजी दादी जी अम्मा राइट बट देन खुद से कैसे बोलोगे खुद के मन को कैसे बहलाओगे यू नो वेरी वेल वॉट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ प्रजेंटेड है ना तो ये सारी चीज़ें अगर आप गियरअप कर लेते हो सो so, अल्टीमेटली क्या होता है यू गेट थ्रू राइट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे बच्चों ये होता है कि यू नो दैट जर्नी इज इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात मैं बार बार वही चीज बोलती हूं नेवर एवर एवर कंसिडर कि कोई भी आज इंसान आपको सक्सेसफुल दिखता है ना बच्चों कोई भी एक इंसान अगर आपको सक्सेसफुल दिख रहा है देन ट्रस्ट मी बहुत बहुत लंबा रास्ता उसका रहा है

ठीक है लगन है मेरा इरादा था हाँ मैं हारी बिल्कुल हारी मैं ऐसा नहीं था कि मेरी यू uh, नो you know, जर्नी बहुत स्मूथ रही हमेशा मेरे दिमाग में कंस्टेंटली एफर्ट रहा कि अरे नहीं 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 मेरे को तो करना ही है करना ही है, करना है। मैंने तो उम्मीदें ही छोड़ दी थी बताया ना आपको ऐसी सिचुएशन आई कि मैंने तो सब ड्रॉप आउट कर दिया आई कैन नॉट मैंने तो क्लियर अपने पेरेंट्स को सबको बोला बस यार डॉक्टर वॉक्टर गया भाड़ में मेरे मन में था वो चीज़ समवेयर हमेशा से करना है लेकिन देन आई वॉज लाइक नो नहीं होगा मुझसे मुझसे नहीं होगा क्यों क्योंकि बच्चों सिचुएशन ही ऐसी आती गई बट देन आई रियलाइज दैट मे बी यही चीज मुझे सबसे ज्यादा आगे स्ट्रांग बना देगी और आज चो वही हुआ एंड इफ आई से दैट येस आई एम द हीरो ऑफ माई ओन स्टोरी आई डू मीन इट बिकॉज आज भी जब मुझे कुछ यू नो इफ आई फील एनी थिंग डिप्रेसिव और समथिंग लाइक दैट आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ यार इतना मैंने किया था कब जब मैं 10 साल छोटी थी अभी जितना उतना हूँ ठीक है उस समय जब मैंने किया था बट तो फिर आज जब उस चीज को देखती हूँ तो लगता है तब मैंने कर लिया तो अभी क्यों नहीं यार दैट वॉज द सेम मी इज इट आई स्टिल हैव इट एंड देन आई लुक एट माई सेल्फ आई डोंट नीड एनी इंस्पिरेशन आई लुक एट माई सेल्फ बिकॉज आई नो वट आई हैव बीन थ्रू राइट एंड उससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है ये जो डायग्राम देख रहे हो बच्चों ये जो इमेज देख रहे हो आप सक्सेस दी आइस बर्ग इल्यूजन या फिर इसको द आइस बर्ग फिनोमिना लोग जो बोलते हैं ठीक है दिल दे आर पीपल हु सी मी लाइक दिस बट देन बहुत लोग आप में से भी होंगे जो काफी अच्छे एग्जाम्स क्लियर किए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये चीज किसी को नहीं दिखती है राइट right? है न सो इट हैडी इज इंटेड सो बच्चों जैसे सिमिलरली हम लोग इश्यूज हमारे लाइफ में आते कहाँ पे हैं वो यहाँ आते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ मारियो का मारियो सबने प्ले एवरी बॉडी आई लव सो लव मारियो उसमें हमारा एक ही विजन होता है वो है रानी को बचाना उससे ब्याह करना ठीक है उससे शादी करना यही होता है हम सब मारियो होते हैं और हम अपनी सब के सब क्या है हमारी रानियों के पीछे पड़े होते हैं हमें बस रानी से जो है हमें हमारी रानी से बड़ा प्यार है हमें उसको बचाना है राक्षस से जो ड्रैगन होता है रास में है ना हम लोग उस स्टेज में कितना ही मरते जाते हैं लेकिन फिर भी पागलों की तरह लगे होते हैं होता है है ना लेकिन ये चीज अगर हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दें तो हम हार जाते हैं एक बार कोई हर्डल आया हम क्रॉस नहीं कर पाए एंड वी स्टॉप क्यों क्योंकि वीडियो गेम में तो क्या है ना हमें लाइफ्स मिल रही हैं, वहां कोई पनिशमेंट नहीं है यहां पे अगर एक बार हम हार गए तो वो गेम से तो हम हारे वो अलग हम खुद से हार जाते हैं वहां पे तो हमें खुद पे बड़ा फेथ होता है हम कर लेंगे लेकिन रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपनी सारी उम्मीदें खो देते हैं हमें खुद पे कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि यहां पनिशमेंट्स है ना भाई क्लास में फेल हो गए तो एनटीएसी क्लियर नहीं हुआ तो केवी क्लियर नहीं हुआ तो गया ना पूरा साल है ना तो हम क्या है ना बच्चों कभी कभी अटेम्प्ट से ही डरते हैं सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट बैरियर हमेशा याद रखिएगा जिस इंसान ने खुद पे डाउट कर लिया ना बच्चों मान लो कि आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ पीपल वुड बिलीव इन योर सेल्फ इफ यू डोंट पीपल वोंट एज सिंपल इज दैट ठीक है सो आई जस्ट लाइक टू सी आई एम हैप्पी यू गाइज आर यू गाइज आर कनेक्टिंग वेल सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी ठीक है एंड अफकोर्स वन मोर थिंग गाइज वॉट आई वॉन्ट आई ड्रॉम यू ऑल कि क्या ऐसा कुछ है um, जो आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हो आई रियली लव लिसनिंग टू इट आई डस्ट वॉन्ट टू नो कि एग्जैक्टली वॉट यू गाइज आर फीलिंग क्या ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है सो यू नो आई डस्ट वॉन्ट दिज टेन फिफ्टीन मिनट्स टू बी योर साइड नाउ एंड ऑफकोर्स बिफोर दिस ये तो बच्चा आज का हमने थोड़ा सा एक uh, मेरा स्टोरी मेरा बहुत मन था शेयर करने का बिकॉज ट्रस्ट मी बड़ी ही वाहियात रही है <laughs> बहुत प्रॉब्लम्स मैंने झेले हैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा झेला है ना जिसकी हद नहीं है टचवुड माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव बट आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इस चीज़ में भी यू you नो know, आजकल पेरेंटल प्रेशर पीयर प्रेशर अरे हर चीज़ का प्रेशर मतलब बच्चा बेचारा जाए तो जाए कहाँ है ना होता है आई वॉज ब्लेस्ड इन ना बट नॉट एवरी किड इज सो ब्लेस्ड लाइक पेरेंट्स की भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है उसका भी अपना एक बर्डन हो जाता है कि यार कैसे क्या करना है ना हमारा बच्चा ये कर रहा है फिर फिर पड़ोसियों की प्रॉब्लम उसके बाद रिश्तेदारों की प्रॉब्लम साला जो देखो वो सर के ऊपर मंडराता है अरे तुम्हारे बच्चा तो प्रिपेयर कर रहा था ना एन टी के लिए फिर उसका क्या हो गया नहीं हुआ ओ राइट दिस इट बहुत नॉर्मल है स्पेशली आंटिया मोहल्ले वाली आ, कोई किसी की बुआ जी किसी के फूफा जी किसी की मामी आई डोंट नो दिस एग्जेक्ट हैपन है ना उसका प्रेशर अलग रिश्तेदार क्या बोलेंगे आई में नहीं हुआ अरे बताओ क्या मतलब हुआ इसका प्रिपेयर करने का बताओ कोटा में रह रहे हैं आई में नहीं हुआ है ना होता है मेरे साथ भी बहुत था बच्चों इतना क्रिटिसिज्म इतना नाटकबाजिया ना इतना प्रेशर लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको फिर वही बोलूंगी अपनी जर्नी पे फोकस करो बस अपना देखो किसी पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है समझ रहे हो बच्चों अगर मैं कर सकती हूँ ठीक है एंड इफ अभिमन्यू कैन डू इट अभिमन्यू इज़ दैट फ्रेंड ऑफ माइंड जो कि डेर इन कैलिफोर्निया जो है सो इफ ई कैन डू इट ट्रस्ट मी चलो मेरा तो चलो एक बार को ठीक है बट अगर वो कर सकता है ना तो ट्रस्ट मी कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है ठीक है यू कैन इवन टेक माई एग्जाम्पल इज वेल सो एनी बडी कैन डू इट ट्रस्ट मी दैट और राइट सो ऑफकोर्स आई लाइक टू नो वट यू गाइज थिंक आई वुड रियली लाइक टू नो दिस की आप लोग जो है आप लोग क्या सोचते हो लाइक डू यू गाइज वॉन्ट अ शेयर समथिंग I just like to know in these five minutes, if yes, let's just go with it. So I'm just waiting for your replies. And of course, before that, बच्चे log, I just want to know, uh, uh, sorry, I want to tell you one thing, and that is uh, ये तो आज थोड़ा सा मैंने crux बताया. दूसरा ये है कि uh, जो next lecture होगा ना, उसमें बड़ा ही interesting सा चीज़ हम लोग discuss करने वाले हैं, वो ये है क्या सुपर मारियो इफेक्ट ठीक है सो बच्चों ये तो सेशन ऐसा था कि ये तो थोड़ा सा यू you नो know, एक ऊपर ऊपर का मेरा स्टोरी था अब हम धीरे धीरे जो है डीपन अप होते जाएंगे इसमें है ना बच्चो दिस सेशन ट्रस्ट मी इज गोना हेल्प यू गाइज लॉट क्योंकि यहां पे होगी सीधी बात नो no बकवास बिल्कुल कोई बकवास नहीं सब ओरिजिनल स्टोरी से इंस्पायर वो भी स्पेशली है मेरी तो इसलिए सीरीज का नाम मैंने खुद फेस ऑफ फियर रखा है बिकॉज आई रियली बिलीव ऑन दैट पार्ट ठीक है लोग बहुत बोलते रहते हैं सबको आ, कोशिश करो मेहनत करो सब हो जाएगा ब्ला ब्ला ब्ला, ब्ला, ब्ला। भाई प्रैक्टिकल बात करो कि कैसे होता है ठीक है और वही बात हम यहां करेंगे है ना कोई फालतू तो की बकवास नहीं ठीक है so awesome so आपका कुछ इफ यून स्पीक आउट समथिंग यू जस्ट टेल मी योर पार्ट इज वेल और राइट सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइज ओके तने तने आई थिंक वन मोर स्टूडेंट आई डिली डोंट नो रोहन वेदर रोहन आस्ट गाइस यू कैन जस्ट कनेक्ट टू आकाश सर ऑल राइट सो ही प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स ठीक है पोस्ट दिस सेशन एंड यस कमेंट्स में मुझे आप लोग जरूर बताइएगा है ना सो so दैट uh, आगे वाला जो सेशन है हमारा सुपर मारियो सेशन है uh, उसको हम थोड़ा सा और फन एंड इंटरक्टिव बनाएंगे ठीक है सो अभी आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा बताओ I'd really like to know by you guys if somebody has any question. Yes, so what you guys can do is uh, this is the Telegram ID. You can, uh, if somebody wants to speak to me directly, guys, you're most welcome. Alright, okay. So I'm always there for my students, of course. So I think Tane asked and um, Rohan was it? I really don't remember. I'm so sorry. So you can just text him there and then he'll. Uh, get me in touch with you all right ठीक है सो एनी वेज गाइज इफ कोई क्वेश्चन रहता है किसी के दिमाग में इफ यू वॉन्ट शेयर योर साइड इफ यून वॉन्ट माई एनी हेल्प आई एम ऑलवेज 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 देव फॉर यू बेबीज ऑल राइट सो एज फॉर नाउ हम अभी सेशन को बंद करते हैं नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इससे ज़्यादा एनर्जाइजिंग सेशन होगा दैट इज श्योर दैट इज दी सुपर मारियो एफेक्ट ठीक है सबने खेला है मारियो तो रेडी हो जाना वापस से उसी और टाइम को लिव करने के लिए ठीक है कुछ एडिशंस हम और करेंगे मेरी स्टोरी से ठीक है सो अदोल्ड यू सीधी बात नो बकवास फालतू का ज्ञान नहीं ठीक है प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस होंगी एंड आई एम वेरी श्योर यू गाइट रिलेट विद इट ऑल राइट सो येस फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी दिस इज डॉक्टर गीतांजल शर्मा फ्रॉम टॉक इंग टेक्स बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एंड येस दिस वॉज अ लाइव थिंग अगेन नेक्स्ट सेशन भी हमारा लाइव ही होगा सो येस वापस से खुद को थोड़ा सा और एनर्जाइज करना है सो यू नो स्टेप बाय स्टेप यू करना डू दिस ग्रेजुअली एंड आई एम वेरी श्योर यू कर लव इट ऑल राइट सो आज सी यू लेडर बाय टेक केयर